सुप्रभात छात्रों, आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से नहीं तो आप विद्यालय आ पा रहे हैं और नहीं हम विद्यालय आ पा रहे हैं, जिसके कारण हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। लेकिन पढ़ाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि हम प्रतिदिन एक एक वीडियो बनाकर आपके सामने भेजेंगे और उस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, और अगर अब उस वीडियो में आपको कोई परेशानी आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी अध्यापिका से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आप छठी कक्षा में अपनी पूरक पुस्तक के रूप में बाल राम कथा पढ़ चुके हैं। अब आप सातवीं कक्षा में आ गए हैं और आपकी पूरक पुस्तक का नाम है बाल महाभारत कथा। आज मैं आपके सामने बाल महाभारत कथा का ही सार लेकर प्रस्तुत हूँ। आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिए और कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास की देन है, अर्थात जो महाभारत की कथा है वह वेद व्यास जी ने लिखी है। वेद व्यास जी ने सबसे पहले यह कहानी अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ याद कराई और बाद में अपने अन्य छात्रों को। लेकिन मानव जाति में इस कथा का प्रसार महर्षि वेदव्यास द्वारा हुआ। एक बार महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक सुप्रसिद्ध एक यज्ञ कराया, जिसमें सुप्रसिद्ध सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने सभी के सामने इस कथा को गाना प्रारंभ किया। महाराज शांतनु के बाद उसके पुत्र चित्रागंध हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के बाद विचित्री वीर्य राजा हुए। उनके दो बेटे थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन वह अंधे थे, इसी कारण पांडु को राजा बनाया गया। पांडु कई वर्षों तक राज करते रहे। पांडु की दो रानियां थीं, माद्री और कुंती। उनको एक बार किसी चीज के प्रायश्चित के लिए वह जंगल में चले गए और उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ थीं। उन रानियों से उनके पांच बेटे हुए जो पांडव कहलाए। लेकिन पांडव की अकाल मृत्यु के बाद ऋषि मुनियों ने उनका पालन पोषण किया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तो ऋषि मुनियों ने उन्हें हस्तिनापुर में लाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। पांचों पांडव बहुत ही बुद्धिमान थे और बलशाली थे। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे वह उनसे बहुत जलते थे और उन्हें तरह तरह से कष्ट पहुंचाते थे। जब धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव के पुत्र में वैर भाव बढ़ने लगा तो उसी को दूर करने के लिए भीष्म पितामह ने राज्य के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा कौरवों को दे दिया और एक हिस्सा पांडवों को दे दिया। इस प्रकार कुछ समय तक शांतिपूर्वक दोनों राज्य चलते रहे। लेकिन उस समय एक चौसर खेलने का रिवाज था। चौसर खेलते समय राजा जो थे वह अपने राज्य तक को भी हार बैठे थे। इसीलिए दुर्योधन ने एक दिन पांडवों को अपने यहाँ चौसर खेलने के लिए बुलाया। उनके यहाँ से कौरव की तरफ से धूर्त शकुनी ने चौसर खेला और पांडवों को हरा दिया और उन्हें फलस्वरूप उनका राज्य छीन लिया और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने के लिए कहा। पांडवों ने अपना अज्ञातवास और वनवास भोग लिया। वह वापस लौटे और उन्होंने
लालची दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें राज्य वापस देने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपना राज्य लेने के लिए कौरवों से लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए और पूरे साम्राज्य पर पांडवों का अधिकार हो गया। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। कुल मिलाकर आपकी जो महाभारत की कथा है वह यह है, जो 40 पाठों के अंदर दी गई है। तो कल हम आपके सामने इसी महाभारत कथा का पहला पाठ लेकर प्रस्तुत होंगे, जिसका नाम है देवव्रत। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखेंगे और इसे पढ़कर इसके में से 5 प्रश्न लिखेंगे और उसके आंसर भी लिखेंगे। धन्यवाद। कल फिर आपसे मिलेंगे।